पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिव्यू किया और इस समीक्षा बैठक के दौरान एजुकेशन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण मसलों पर मंथन हुआ, चर्चा हुई और इसमें सबसे बड़ा एजेंडा हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों से संबंधित था। और इसमें चर्चा हुई क्या हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले जिस प्रकार से पूरे साल चले रहते हैं, उनकी पदोन्नतियों के मामले लगातार चले रहते हैं, उससे शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार बाधित होती है, प्रभावित होती है। इसके चलते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभाग को आदेश दिए कि इस बारे में डिपार्टमेंट एक पुख्ता मसौदा बनाकर लाया जाए और इसकी तमाम संभावनाओं को तलाशा जाए कि क्यों न हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों के तबादले और उनकी पदोन्नतियां साल में एक बार मार्च के महीने में की जाए। यानी कि मुख्यमंत्री का यह तर्क था कि हिमाचल प्रदेश में साल भर प्रमोशन प्रक्रिया चली रहती है, कभी आप विजिलेंस की क्लियरेंस मांगो, कभी आप डीपीसी आयोजित करो, कभी आप उनकी रिप्लेसमेंट के आदेश करो, कभी उनकी पदोन्नति के ऑर्डर करो, फिर उनकी पोस्टिंग को लेकर नोटिफिकेशन जारी करो। इसी तरह मुख्यमंत्री ने कहा कि जब बैच वाइज भर्तियां या कमीशन के थ्रू जब ये पूरे साल प्रोसेस चलता है तो बार बार टीचर्स को एक से दूसरी जगह भेजना पड़ता है और हिमाचल प्रदेश में इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ रहा है। यानी कि सीएम का सीधा कहना था कि हिमाचल प्रदेश में साफ तौर पर अब मार्च महीने में अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इसके साथ जितने भी अध्यापकों की पदोन्नतियां होंगी उन पदोन्नतियों के लिए भी एक महीने का वक्त मुकर्रर किया जाएगा। मार्च महीने में सभी अध्यापकों की प्रमोशंस की जाएंगी, चाहे टीजीटी हो, जेबीटी हो, सीएनबी हो, लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, सीएचटी हो, सभी को एक दायरे में लाकर ताकि हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले सभी को प्रमोशन मिल जाए, उनको प्लेसमेंट मिल जाए, उनको पोस्टिंग, उनको नया स्टेशन मिल जाए और जितनी भी पदोन्नतियों के साथ नई बैच वाइज या कमीशन से भर्ती होनी है उन तमाम टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर भी मार्च महीने में जारी कर दिया जाए ताकि उन्हें ट्रेंड करके कुछ दिन की ट्रेनिंग देने के बाद सीधे जब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र शुरू हो तो शैक्षणिक सत्र के लिए पूरी तरह से व्यवस्था फुल प्रूफ कर दी जाए ताकि ना कोई स्कूल डिस्टर्ब हो सके और ना ही किसी अध्यापक को अपनी एडजस्टमेंट, प्रमोशन या अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जगह जगह उसे जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि अब हम व्यवस्था ये करेंगे कि अध्यापकों के साल में सिर्फ एक बार ही तबादले किए जाएंगे शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले मार्च महीने में। उनका साफ ये संकेत था कि अप्रैल से लेकर फरवरी के अंत तक हिमाचल प्रदेश में यानी पूरे साल के 11 महीनों में कोई भी हिमाचल प्रदेश में टीचर्स के तबादले नहीं किए जाएंगे। ये तीन बड़े मुख्यमंत्री ने अपने डिपार्टमेंट को उन्होंने ये आदेश जारी किए कि इस पर बाकायदा आप एक मसौदा बनाए, खाका ना कर लाएं ताकि सेक्शन सत्र के बीच हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में टीचर्स के तबादलों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहे और इस दौरान ना कोई प्रमोशन हो ना कोई नियुक्ति पत्र हो ताकि कम से कम एजुकेशन का सिस्टम ना चले, एक महीना पूरा ये काम करे, फिर 11 महीने तक किसी भी टीचर की ना एडजस्टमेंट हो, ना प्रमोशन हो, ना नियुक्ति पत्र मिले और ना ही उसका तबादला हो। यानी कि एक महीना विशुद्ध रूप से टीचर्स को दिया जाए और उसके बाद 11 महीने सीधे तौर पर बच्चों को पढ़ाए ताकि ना कोई टीचर सचिवालय अपनी एडजस्टमेंट करवाने आए, ना अपना नियुक्ति पत्र लेने आए और ना ही कोई टीचर अपनी प्रमोशन के लिए सचिवालय या निदेशालय के चक्कर काटे। एक बड़ा फैसला है। अब देखते हैं कि धरातल पर मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार आज अपना विजन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिया, ये धरातल पर किस प्रकार इंप्लीमेंट होता है। लेकिन सीएम ने यह सख्त कहा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा यहां पर अधिकतर हिमाचल प्रदेश में इसमें हमने 3 चुनाव लड़े जिसमें एक लोकसभा चुनाव था, 2 बाई इलेक्शन थे, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आपदा में 4 महीने बर्बाद हो गए। अब सीधे तौर पर सरकार फैसले लेगी, बड़े काम करेगी और इसी फैसले में हमारी प्राथमिकता में एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा ताकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। एक महत्वपूर्ण और इसमें चर्चा हुई आज जो रिव्यू था एजुकेशन डिपार्टमेंट का, 0 इनरोलमेंट वाले सभी स्कूलों को डी नोटिफाई कर दिया जाए और इस फेरिस्त में 89 प्राइमरी और 10 मिडिल स्कूल है, यानी कि कुल हिमाचल प्रदेश के 99 सरकारी 0 इनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इन स्कूलों का स्टाफ भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 3 किलोमीटर के रेडियस तथा 5 छात्रों की संख्या से कम स्कूलों वाले 701 स्कूलों की स्थिति पर भी
मंत्री ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ रिव्यू किया। इन तमाम स्कूलों की स्थिति को उन्होंने जानने का प्रयास किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि इनमें 5 छात्रों से कम संख्या वाले 287 स्कूल हैं तथा 109 स्कूल 5 छात्रों की संख्या वाले हैं जो कि जिनका रेडियस 2 किलोमीटर का आता है। 3 किलोमीटर के दायरे वाले 46 मिडिल स्कूल हैं, 18 अन्य स्कूल ऐसे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश में कुल 5 छात्र हैं, यानी कि इन कुल 701 स्कूलों को किस तरीके से इन स्कूलों को मर्ज किया जाए, क्योंकि जितने भी ये स्कूल मर्जिंग होंगे उन स्कूलों का तमाम स्टाफ उनके स्टूडेंट्स दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने पड़ेंगे, यानी काफ़ी बड़ा उथल पुथल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगा। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी संभावनाएं देखी जाएं, इसके क्या आगे चलकर नुकसान होगा, क्या फ़ायदे होंगे, ये पूरी विस्तृत एजेंडा एक बनाकर इसे कैबिनेट में लाया जाए। 25 तारीख को जब गुरुवार की कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री ने इसका एजेंडा मांगा है ताकि कैबिनेट ये फैसला ले सके कि जीरो इनरोलमेंट वाले 99 स्कूल को बंद किया जाए या उन पर क्या फैसला किया जाए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के भी कड़े निर्देश दिए और उन्होंने ये कहा कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 से कम है उन स्कूलों को मर्ज करने पर कैबिनेट विचार करेगी। इसका बाकायदा एजुकेशन डिपार्टमेंट से एजेंडा मांगा गया है। इस रिव्यू मीटिंग में हरेक विधानसभा क्षेत्र में 2 बोर्डिंग स्कूल खोलने पर भी चर्चा हुई और इसमें यह भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और स्पीति में 2 स्कूल खोले जाएंगे ताकि कबायली क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकें और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट होने का मौका मिल सकें। स्कूलों में क्लस्टर सिस्टम सख्ती से लागू करने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट बच्चों की पसंद की स्मार्ट यूनिफॉर्म उन्हें दें, इस पर भी उन्होंने कहा कि पूरी तरह से इस पर काम किया जाए। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाए, ये आज बड़े स्तर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिव्यू था। हिमाचल प्रदेश में अब आउटसोर्स की भर्ती के लिए नई पॉलिसी बनेगी। स्वास्थ्य विभाग में RNP रूल्स के तहत अब सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी, यानी कि भविष्य में जितने भी आउटसोर्स में यहां पर भर्ती किए जाएंगे भविष्य में उनके नियमितीकरण होने की संभावनाएं बनी रहे इस मद्देनज़र पॉलिसी बनाई जाएगी। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की थी। इस दौरान IGMC के हालातों पर चर्चा की गई थी। IGMC और चिमियाना इन दो स्वास्थ्य स्थानों पर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि 100% स्टाफ की यहां पर भर्ती कर दी जाए, यह भर्ती आउटसोर्स आधार पर की जाए, लेकिन साथ में सरकार यह भी चाहती है कि जितने भी यहां पर पद रिक्त हैं उन्हें हम आउटसोर्स से तो भर्ती कर लें लेकिन निकट भविष्य में इन आउटसोर्स कर्मचारियों के भी हिमाचल प्रदेश के दूसरे करीब 40,000 ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि अपने नियमितीकरण के लिए अपने वेतन बढ़ोतरी को लेकर लगातार सरकार के आगे गुहार लगा रहे हैं या यूं कहें कि इन तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इसके चलते सुक्खू सरकार यह चाहती है कि आगे चलकर हम जो अब हेल्थ डिपार्टमेंट में नई भर्तियां करें या दूसरे विभागों में भी भर्तियां करें उनके लिए कम से कम हम ऐसी एक पॉलिसी बना दें ताकि उस पॉलिसी को RNP रूल्स के दायरे में लाया जाए, यानी कि जो शिक्षित हैं उन्हें आउटसोर्स से भर्ती किया जाए लेकिन बाद में उनके चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल के दायरे में उन्हें लाया जाए या उन्हें रेगुलर किया जाए, कम से कम उन्हें भविष्य में रेगुलर किया जाए, उन्हें अपने वेतन बढ़ोतरी से लेकर इंक्रीमेंट या छुट्टियों से लेकर या नियमित होने के लिए कम से कम खुद को उपेक्षित महसूस ना करना पड़े। इस मद्देनजर हम आउटसोर्स पॉलिसी नई पॉलिसी लाकर हिमाचल प्रदेश में हम भर्ती करेंगे। राज्य में TGT नियुक्ति को लेकर आज एक संशोधित एक और सूची तैयार कर ली है। डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आशीष कोहली का कहना है कि यह सूची आज जारी कर दी जाएगी। इसमें 120 नव नियुक्त TGT को नए स्टेशन अलॉट कर दिए गए हैं, यानी कि जिन टीचर्स को जहां पर कोई पोस्ट नहीं थी वहां पर उन्हें डिप्यूट कर दिया गया था या एक स्कूल में दो टीचर तैनात कर दिए गए थे उन तमाम टीचर की, जिसमें करीब 90% टीचर जो कि 120 के आसपास संख्या बनती है, इसकी दूसरी संशोधित सूची आज जारी कर ली गई है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दावा किया गया है कि सूची को हम जल्द इसकी क्योंकि नोटिफिकेशन भी जारी करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं इसे वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। लेकिन एक तीसरी और अंतिम एक और सूची गुरुवार तक आ सकती है, क्योंकि ऐसे हिमाचल प्रदेश में TGT के अध्यापक हैं जिनको दो स्टेशन अलॉट किए गए थे लेकिन दोनों ही वहां पर ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा कई टीचर्स ऐसे भी थे कि दो टीचर को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए गए थे लेकिन वहां पर पोस्ट एक भी नहीं थी, यानी कि अभी
अभी भी करीब 20 से 25 ऐसे नव नियुक्त टीजीटी हैं जिनकी ज्वाइनिंग यहां पर लटकी हुई है। इसकी अंतिम बस संशोधित सूची जो है वो गुरुवार को आएगी। जेबीटी नियुक्ति को लेकर जरूर एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि जिस प्रकार से जेबीटी नियुक्ति का मामला लटका हुआ था, माना यह जा रहा था कि युक्तिकरण के फैसले के बाद इन जेबीटी को नियुक्ति दी जाएगी। अगर इस युक्तिकरण के फैसले का इंतजार किया जाए तो जाहिर तौर पर 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, इससे ज्यादा भी यह वक्त जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट की फैसले कैबिनेट की मीटिंग में इसका एजेंडा जाएगा, इस पर चर्चा होगी, किन स्कूलों को बंद किया जाए, काफी हजारों की संख्या में टीचर्स की सूची बनेगी, उन्हें कहां शिफ्ट किया जाए, कहां भेजा जाए। अगर इस लंबे चौड़े प्रोसेस का इंतजार करना तो यहां पर जेबीटी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता था। लेकिन आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हामी भर दी कि जेबीटी को हम जल्द नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे, और मुख्यमंत्री से मिली हरी झंडी के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट यह दावा कर रहा है कि इस हफ्ते के अंतिम दिन तक यानी शनिवार तक, शनिवार से पहले पहले हिमाचल प्रदेश की बैच बाई जेबीटी की भर्ती जो कि लटकी हुई है इसे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। 25 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, इसमें स्कूलों के मर्जिंग का फैसला आएगा, 13 में पुलिस का डिस्ट्रिक्ट बनेगा, होम स्टे पॉलिसी आएगी, एचआरटीसी के घाटे वाले रूटों पर प्रेजेंटेशन दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में लटकी राज्य चयन आयोग की भर्तियों का एजेंडा भी आएगा, क्योंकि आज इस समय सचिवालय में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि किन किन पोस्ट कोड संख्या के परिणामों को घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आज एचआरटीसी ने 357 कंडक्टर की भर्ती को लेकर जो उनका नियुक्ति पत्र जारी होने थे लंबे समय से, इसके इंतजार थे, एचआरटीसी ने आज इनके बाकायदा नियुक्ति पत्र जारी कर दिए। अनुबंध नियुक्ति के साथ ज्वाइनिंग स्टेशन भी जारी कर दिए। अक्टूबर 2022 में 360 पदों के लिए आवेदन मंत्रित किए गए थे लोक सेवा आयोग द्वारा। दिसंबर 2023 में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, मार्च 2024 में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया था। आचार संहिता के चलते इसके नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पाए थे, लेकिन आज इन 357 कंडक्टर के लिए अच्छी खबर है कि आज उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो गए। आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। उन्होंने ऐलान किया कि हिमाचल में बीते साल मानसून में भारी तबाही हुई, हिमाचल सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बजट दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के आम बजट में इसका ऐलान किया था। हिमाचल के अलावा उत्तराखंड असम को भी इस तरह की मदद मिलेगी। बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश को कितना बजट मिलेगा, हालांकि इसका बजट स्पीच में जिक्र नहीं था, इसके लिए अब जब अलग से गाइडलाइंस लाइंस बनेगी तो यह देखने वाली बात होगी कि 11,500 करोड़ में हिमाचल प्रदेश के हिस्से कितना बजट आता है। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आपदा से निपटने के लिए राहत राशि देने का आग्रह किया था। कम से कम आज केंद्रीय बजट के बाद यह अनुमान लगाया गया है कि प्रदेश में देश में सोना चांदी दोनों की दरें कम होंगी, सस्ता होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट फंड मिलेगा, यानी कि बड़ी बात उन्होंने कही। हिमाचल के साथ साथ बजट में उत्तराखंड और सिक्किम का भी जिक्र हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड और सिक्किम के साथ असिस्टेंट शब्द लिखा है, हिमाचल को मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करना होगा। जब बाढ़ उत्तराखंड और सिक्किम में आई थी तो वहाँ असिस्टेंट दी जाती थी, लेकिन हिमाचल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमाचल चाहता है कि हमें आपदा में हुए नुकसान का पूरा बजट दिया जाए, पीएमजीएसवाई पीएम आवास योजना का बजट इसमें ना जोड़ा जाए। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना था कि हमने जितना हिमाचल प्रदेश में आपदा में नुकसान हुआ था केंद्र सरकार सीधा सीधा उसकी भरपाई करे, ना कि यहां पर खर्चा रुपया हुआ और केंद्र सरकार 20 या 30 पैसे दे। ये सीएम सुक्खू ने एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया है।